सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका राखी नेगी ब्लॉग एंड गार्डनिंग में। मैं हूँ राखी नेगी। तो दोस्तों आज है मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के 8:30 बजे। इतनी जल्दी अपने घर के काम छोटे मोटे कर लिए, बाकी नहीं किए, क्योंकि आज मेरे बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तो मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों आज मेरे देवर बन रहे मेरे पड़ोसी, यानी उनका गृह प्रवेश हो रहा है। उनका घर बना है मेरे घर के बिल्कुल बगल में, मतलब थोड़ा सा दूरी पे। तो मैं चलते चलते दिखाती हूँ कितनी दूरी पर बना है। तो मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ और उनके घर आपको लेके चलती हूँ। ये खुल गया मेरा गेट, मैं चलते चलते पूरा ब्लॉग बनाऊंगी। आप भी देखिए मेरे गली है ये पूरी, मेरी गली में बना उनका घर, सबसे आगे घर उनका है और दूसरा घर किसी और का है, तीसरा घर मेरा है। मैं उनके घर पहुंचने वाली हूँ। दोस्तों मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, अगर मेरा नमक भी ख़त्म होगा तो मैं इनके घर पहुंच जाऊंगी लेने के लिए। आटा भी ख़त्म होगा तो यहाँ वो भी लेके जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, वो मेरे गार्डन से सब्जी लेके चले जाएंगे। और मैं पहुंच चुकी हूँ उनके घर। ये देखिए, ये है गोपाल सिंह जी का घर। अभी घर का काम चल ही रहा है, अभी नाम उल्टा आ रहा है, मैं बाद में दिखाऊँगी आपको उल्टा नाम करके। और पहुँच गए, चलो जय श्री राम बोलो। ये है ये देवर और ये बेटा है। कपड़े चेंज कर लिए? नहीं, जाके दे दो काले। काला पैजामा भी तो पहन रखा, मैं क्या काले कपड़े पहन के क्या है। तो दोस्तों मैं कैमरा, अभी इनका घर का काम चल ही रहा है, गृह प्रवेश का दिन आज का था इसलिए इन्होंने अभी काम चलता रहेगा। तो ये इनका ड्राइंग रूम, यहाँ पर होगी पूजा। हमें आपको और ये आ गई मेरी देवरानी, इसका भी पोचा ही लग रहा है। आओ ना, चलो नमस्कार करो, हाय करो, नमस्ते, हाय। इनको शुभकामनाएं दीजिए, इनको शुभकामनाएं दीजिए कि अपने परिवार के साथ खुश रहे, मस्त रहे। तो मैं आपको इनका घर आराम से जब पूरा सेट हो जाएगा तब दिखाऊंगी, अभी मैं आपको ऐसी दिखा रही हूँ हल्का फुल्का। अब ये पोचा मारे तो मुझे हलवा उसी ने बनाया है, क्योंकि घर तो उसी का है, तो मीठा उसने बनाया है सुबह के लिए। तो ये हलवा बन चुका है और मैं जा रही हूँ बनाने के लिए पूरी। ये मैंने रख दिया है तेल, तो मैं बनाती हूँ पूरी। इनके तो अभी मैं मिलाती हूँ कौन कौन आया। तो आ चुके हैं अंकल जी और आंटी जी। चलो अंकल जी हाय बोलो, हाय करो, हाय ऐसे। और ये भैया हैं जिन्होंने बनाया ये घर, घर में दिखाऊंगी बाद में, मैंने घर नहीं देखा क्योंकि अभी काफी काम पड़ा है ना, परिचय करा दिया मैंने, जब घर देखेंगे तब दिखाऊंगी, तब मैं नंबर भी दूंगी आपका जब पसंद आएगा सबको। अभी मैंने घर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इनका अभी चल रहा है काम, अभी बहुत काम इनका पेंडिंग है। जब 17 तारीख को पार्टी होगी तब मैं आपको इनका घर दिखाऊंगी और आप पार्टी में इनवाइट हो, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है वेलकम। तो देखिए दोस्तों पूजा होने लग गई, हमारे पंडित जी आ चुके हैं जो हमारे फैमिली पंडित जी हैं। हमारी सासू माँ भी पहुंच गई है।
सहम विहर्मिया गृहसूचिभिः संयन्तुतः शोनार्तुभिर्नो भवानक्षराणि भीषणिः जशानः सर्वसुकृताः आपोष्टामयो भोस्तान ऊर्जमता आपोचनता च नः ॐ अच्युताय नमः कीश्वान्मां माध्वाय नमः विष्णु क्षन पुरगंजातमत्कदाती नदी वायजंत साध्यारिघयश्चे स्वा जत्पुरुखं जददो गतिधावकल्पयन्ना मुखं किमस्यासी तिम्बाहो किमुरो पादाव चेते स्वा गामणोश मुखमासी बाहो राजन्यः कृता ओरो तदस्य जद्वैश्यः पद्व्यागं सूत्रो वजायत स्वा। तो दोस्तों अंदर के देवी देवताओं की पूजा हो चुकी है, अब बाहर के की जाती है। क्षेत्रपाल पंडित जी ने बताया मुझे, ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है भैया। मेहनत करनी पड़ती है हर काम में। यहाँ पे हो रही है पूजा। भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। हेलो दोस्तों, रात हो चुकी है और हमारे चीफ गेस्ट थोड़ा लेट आए हैं क्योंकि इनको दिन में टाइम नहीं था। मिलाती हूँ अपने चीफ गेस्ट से। तो दोस्तों ये हमारे चीफ गेस्ट ये आए हैं पूरी आलमारी की सेटिंग करने। आपको पता है नया घर बना है तो सारा घर अस्त व्यस्त होगा, तो इनको लगाया गया है आलमारी में कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि इनकी घर की सेटिंग इतनी अच्छी होती तो हमने स्पेशल इनको ही बुलाया था। देखिए अपने घर का अपने बच्चों को खाना पीना बना के आ चुके हैं, अब यहाँ पे कर रहे हैं मदद, क्योंकि इनके बिना हमारी खुशियाँ पूरी नहीं होती है। तो ये आ चुके हैं हमारी खुशी में शामिल होने के लिए और काम करने के लिए भी। ओए क्या दिखा रही, ये देखो कपड़ों की तही लगा रही, अब नीचे बैठी हूँ। मुँह दिखाई अपना और मैं बनाऊँगी इनके लिए खाना। ये लगाएंगे कपड़ों की तही और मैं खाना बनाऊंगी। ये देखिए लगे हुए दोनों के दोनों। अभी नहीं जाऊंगी जब तक तू ढंग से नहीं देखेगी। तो दोस्तों ये आपको हाय कर रहे हैं। अगर आपको हमारी दोस्ती पसंद आती है तो लाइक कीजिए। तो मैं चलती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं अपने गार्डन से लाई हूँ भी लहसुन के पत्ते और हरी मिर्च और धनिया। देखिए आप, ये लाई हूँ मैं धनिया और मैं बनाऊँगी निकले आलू का चटनी। और चटनी बनाई थी मैंने अपने घर में, वो कटोरी यहीं लेके आ गई हूँ। अब तो ऐसे ही चलेगा, एक कटोरी इधर एक कटोरी उधर, क्योंकि ये बन चुके हैं मेरे पड़ोसी। अब पड़ोसी के साथ तो खाना शेयर होगा। तो दोस्तों मैंने बना दिया है आलू का झोल। ये देखो आलू का गाढ़ा आलू का झोल मैंने बनाया, चटनी और ये थोड़ी सी बनाई हरी सब्जी और पूरी बना रहे हैं ये लोग। अभी नहीं दिख, ये बन रही है पूरी। दिखाओ दिखाओ पूरी दिखाओ, कहाँ है उसका पूरी, कहाँ बना वही कढ़ाई में जाना है। सरक सरक पूरी दिखाओ, हाँ दिखाओ, ये बन गई है गोल गोल पूरी हमारी गुस्सा की जैसी। कैमरा का कंपैरिजन हो रहा है अभी, और मेरा कैमरा भाई इतना अच्छा नहीं है, मेरा बेटा मेरे को। तो चलो दोस्तों आज का ब्लॉग्स यही खत्म करते हैं। तो बोलिए सबके साथ अगले ब्लॉग्स में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।